नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया आज उधमपुर मीट मार्केट में। दो दिन पहले मैंने आपको ये खबर दिखाई थी कि यहां पर गंदगी का किस तरह से ढेर लगे हुए हैं, और साथ ही यहां पे हेल्थ विभाग के जो क्वार्टर बने हुए हैं, यहां पे छोटे बच्चे व महिलाएं यहां पे रहती हैं, उनकी ओर से भी रोष प्रकट किया गया था, गुस्सा जाहिर किया गया था कि यहाँ से गंदगी को हटाया जाए। आप दो मिनट से ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकते, इतनी बदबू यहाँ पर है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जेसीबी मशीन भी आई हुई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि म्युनिसिपल काउंसिल के नए सीईओ वो भी आज यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे भी बात करना चाहूँगा। पहले मैं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी की सेक्रेटरी यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं उनसे बात करना चाहूँगा। मैम इधर आइए, यहाँ पे। मैम क्या कहना चाहेंगी आपकी, आप भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी भी हो महिला विंग की, और ये गंदगी यहाँ पे ढेर लगे हुए, एक तरफ स्वच्छ भारत कहा जाता है, तो क्या कहना चाहेंगी आप? स्वच्छ भारत पूरे देश में, इसका आगमन 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, भारत सरकार द्वारा किया गया था। और आप विश्वास नहीं करेंगे रवि जी, पूरे देश में ये अभियान चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मुंह के आगे ही गंद पड़ी है। कहते हैं ना, शहर में बगल में शोरा, शहर में ढिंडोरा, तो ये इतनी गंद पड़ी है, इसकी तरफ किसी को ध्यान ही नहीं गया। परसों आपकी एक वीडियो आई थी, शायद आपने कॉल भी की थी, उसके अकॉर्डिंग संज्ञान लेते हुए मैंने कहा मैं खुद चल के देखूँ। फिर हमारे जो सीईओ हैं म्युनिसिपैलिटी के, अमित जी, इनको मैंने संपर्क किया, और इनकी सहयोग से आज मुझे लगता है कि इस गंध से मुक्ति मिलेगी मेरे धूमपुर वासियों से सबको। काफ़ी पुराना ये मुद्दा बना हुआ है, कई बार लोगों द्वारा यहाँ पे धरने प्रदर्शन किए गए हैं कि यहाँ पे ये डंपिंग स्टेशन बनाया गया, इसे यहाँ से हटाया जाए, तो लेकिन आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। क्या मानते हैं कि ये उठेगा यहाँ से, हटेगा यहाँ से? अब ये देखिए आपके सामने उठ ही रहा है, और मुझे लगता है ये गंदगी हर बार उठाई जाती है, लेकिन सुबह या रात के 1 बजे जाके यहाँ पे गाड़ियाँ पलटी जाती हैं। पर मुझे यहाँ पे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, यहाँ पर बच्चे सबके रहते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, गंदगी क्या म्युनिसिपैलिटी डालती है, गंदगी क्या मैं डालती हूं? म्युनिसिपैलिटी के ट्रक आते हैं वो डालते हैं, लोगों का गंद यहाँ नहीं आता है। तो जो म्युनिसिपल की गाड़ियाँ जो आती हैं वो उठाती हैं शहर से और यहाँ पे पलटा जाता है। मुझे एक बात बताएं, अभी तो अभी हमारी जो म्युनिसिपैलिटी है, अभी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि पीछे मेरा कोई योगदान नहीं था। अभी आप देख रहे हैं 2 साल से मेरा योगदान है, और जब से मैं उधमपुर में आई हूँ तो आपके थ्रू ही कई कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं और कराए गए हैं, और वही उसी कार्य के अंडर मैं यहाँ आई हूँ। मैंने सहयोग लिया है अमित जी का, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जितनी भी गंदगी है, क्योंकि मलेरिया फैल रहा है उधमपुर में, उसको संज्ञान लेते हुए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लेते हुए ये इसका कदम उठाया गया। और रवि जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, गंदगी एक इंसान नहीं फैलाता, पूरे 21 वार्ड है ना हमारे, 21 वार्ड की गंदगी यहाँ आती है, तो क्या वो सबका योगदान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं अपना घर साफ करती हूँ, बाहर फेंक देती हूँ, आप अपना घर साफ करते हो, बाहर फेंक देते हो, जागरूक कब होंगे? आपके यहाँ से ये डंपिंग स्टेशन हटाया जाएगा, ये जो बनाया गया बस देख लिए जी, आपके सामने इसका काम देखिए। यहाँ पर मैंने फिर आपको बताया कि सोहनी एडवोकेट यहाँ पर आई हुई है, और मेरे साथ वो महिला भी हैं जो यहाँ पर सामने रहती हैं, मैं उनसे दोबारा से बात करना चाहूँगा। परसों भी मेरी बात हुई थी, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए मैं दो मिनट से ज़्यादा मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, यहाँ पे इतनी बदबू यहाँ पर है। और मैं मैम से पूछना चाहूँगा, मैम यहाँ पर सीईओ साहब यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या डिमांड करना चाहेंगे इनसे आपकी, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए डंपिंग स्टेशन? सर ये कैसे होना चाहिए, यहाँ पर हमारे गले बैठ गए हैं सर, बात नहीं होती है हमसे, हम बीमार हो गए सर। ये क्वार्टर, ये दरवाज़ा है, जाहिर सी बात है इंसान तो सारे हैं, बच्चे सबके घरों में है सर, ये गंद है सर। कल तो गंद यहाँ आ गया था, वो मैंने इस गाड़ी वाले की रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरे बच्चे ये मेरे गेट से आगे से आप गंद हटाओ, अब ये गंद सर वहाँ से पहुँचते वहाँ पहुँच गया है। आप बताइए कि हम यहाँ बाहर कैसे निकले? क्या डिमांड करना चाहेंगे सीईओ सर? हम यही डिमांड करना चाहेंगे, अपने नए सीईओ से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमें इस गंदगी से बाहर निकालिए, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हम गंद में पल रहे हैं सर, मक्खियों में, गंद में, मक्खियाँ, मच्छर सर, बोल रहे हैं डेंगू फैल रहा है, डेंगू से लोग मर रहे हैं, हमें तो कॉलरा भी दे रहे हैं, मलेरिया भी साथ में दे रहे हैं, डेंगू की तो बात दूर है सर। ये सर आपके सामने बीमारियों का अड्डा मेरे घर के सामने है, मैं तो रोज़ परेशान होती हूँ, ये तो हम भुगत रहे हैं ना यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं देखें तो ये लोग काफ़ी परेशान हैं, और काफ़ी समय से इन लोगों की ओर से ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि यहाँ से जो डंपिंग स्टेशन यहाँ पे बनाया गया, गंदगी पूरे शहर की यहाँ डाली जाती है, उसे हटाया जाए। मेरे साथ यहाँ पर नए सीईओ अमित शर्मा भी यहाँ पर नए हैं, ये पिछले 1 हफ्ते से इन्होंने कारोबार संभाला, लेकिन मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ से इसे हटाया जाएगा या नहीं, या फिर दोबारा यहीं पर फेंका जाएगा? पहले तो आपका धन्यवाद, आपने ये विषय उठाया। मैं इसमें आपको यही एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पहली बात तो ये एक सेकेंडरी पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे जो गोल मार्केट और उसके आसपास का जो कूड़ा है वो यहाँ आता था, इवन की मीट मार्केट का कूड़ा भी यहाँ आता था। तो अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे एक मल्टी टायर पार्किंग का भी प्रपोजल है, तो ऑटोमेटिकली जब वो काम भी शुरू हुआ तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो उसके साथ अब हमने डोर टू डोर कलेक्शन का भी जो काम शुरू किया हुआ है, तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि जो सेकेंडरी पॉइंट है ये परमानेंटली ही ख़त्म हो जाएंगे।
तो ये यहाँ कूड़ा आने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। नहीं, आप क्या मानते हैं कि आज के बाद यहाँ पे ये ढेर नहीं लगेंगे गंदगी के, या कि अब टाइम लगेगा थोड़ा? नहीं, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, और साथ में लोगों से भी ये होगा, जैसे मीट मार्केट आए यहाँ पे और भी आगे पीछे के लोग आके यहाँ पे पॉलीथिन फेंक देते हैं भरे हुए, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा हमें। जब तक हमारी डोर टू डोर 100% होगी महीने तक, तो उसके बाद ये आपको सेकेंडरी पॉइंट जो भी हैं सारे ख़त्म हुए दिखेंगे यहाँ पे। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं कि रिक्वेस्ट है आपसे, इन म्यूनसिपलिटी वालों से एक रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट है कि इन्हें कहिए कि सर जैसे गंद लेके आते ठीक है, ये बोलते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, ठीक है मानते हैं उनकी बात, लेकिन एटलीस्ट आप बिल्कुल घर के सामने गंद ना फेंको, थोड़ा इसको पीछे करके फेंको, थोड़ा हमें भी गली रास्ता दो चलने के लिए, हम भी सर परेशान है, सर रात को बारिश होगी फिर बारिश है, गंद फैलता फैलता बिल्कुल सामने आ जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है गंद यहाँ फेंकने के बजाय पीछे फेंको, फिर महीना लगे फिर चाहे डेढ़ महीना लगे। संज्ञान लेते हुए हम सभी यहाँ खुले बस मैम, और सर के वीरा सर के कहने पे देखिए आप ही ने मुझे कहा तो हम यहाँ आए, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरा कोऑपरेट कर रहा है, सीईओ सर अपनी मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इनका साथ हमें है, लेकिन हमें लोगों का साथ भी चाहिए। हमारे 21 वार्ड हैं और हर वार्ड के मैं चाहती हूँ कि जो म्यूनसिपल काउंसिलर हैं वो अपने वार्ड के लोगों को समझाएं, थोड़ा जागरूक करें कि अपनी गंदगी अपने घरों के बाहर रखें। जब ये डोर टू स्टेप जो सर ने कहा कि कार्यक्रम हो रहा है, जब कोई कूड़ा करकट वाला आता है तो उनको दिया जाए, सबका सहयोग चाहिए हमें। देखिए, ये जिस तरह से इन्होंने कहा है, सीईओ उधमपुर द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया कि यहाँ पर अब कोई भी गंदगी नहीं फेंकी जाएगी। मैं भी लोगों से ये अपील करूँगा कि लोग यहाँ पर गंदगी ना फेंकें, ताकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्हें परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े। लेकिन आने वाले समय में यहाँ से बिल्कुल यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे पार्किंग भी बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं देखें तो प्रशासन व सरकार भी यही चाहती है कि यहाँ पे पार्किंग बनाई जाए और एक अच्छा वातावरण दिया जाए लोगों को। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।